इस एक्ट्रेस के प्यार में पागल थे राजेश खन्ना। शादीशुदा होने के बावजूद भी रहते थे एक साथ, एक ही टूथब्रश से करते थे पेस्ट। नमस्कार, सुपरस्टार राजेश खन्ना 18 जुलाई 2012 को अपने करोड़ों फैंस को अलविदा कर गए थे। उन्होंने चेतन आनंद की फिल्म आखिरी खत से अपने करियर की शुरुआत की थी। अपने करियर में 180 अधिक फिल्मों में काम करने वाले राजेश खन्ना ने 3 साल में लगातार 15 हिट फिल्में देकर बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार का टैग हासिल किया था। एक तरफ राजेश खन्ना की फिल्म करियर जितना सक्सेसफुल रहा, वहीं उनकी लव लाइफ उतनी ही कॉन्ट्रोवर्सियल रही। राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया से शादी की। शादीशुदा होने के बाद राजेश खन्ना एक्ट्रेस टीना मुनीम के साथ रिलेशनशिप में रहे थे। इतना ही नहीं, डिंपल घर छोड़कर चली गई थी तो टीना मुनीम राजेश खन्ना घर में शिफ्ट हो गई थी। राजेश खन्ना ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि उस दौरान टीना और वो एक टूथब्रश से पेस्ट करते थे। कहा जाता है कि सुपरस्टार राजेश खन्ना की लड़कियों इस कदर दीवानी थी कि वो जहां से निकलते थे उनकी गाड़ियां से उड़ी धूल को भी अपने मांग में भर लेती थी। टीना मुनीम भी काका की जबरदस्त दीवानी थी। उन्होंने 70 के दशक में बॉलीवुड में कदम रखा था। राजेश ने डिंपल से शादी करने के बावजूद टीना को अपने करीब आने तक नहीं दिया। 80 के दशक में दोनों का प्यार परवान चढ़ा और टीना ने राजेश खन्ना पर शादी करने का दबाव बनाया। कहा जाता है कि राजेश खन्ना ने उनसे कमिटमेंट किया था वे डिंपल से तलाक लेकर शादी कर लेंगे। टीना को जब लगा राजेश खन्ना उनके साथ शादी नहीं करेंगे तो उन्होंने खुद ही दूरियां बना ली और एक दिन छोड़कर चली गई। बताया जाता है कि जब टीना राजेश खन्ना को छोड़कर जा रही थी तो वह उनके सामने खूब गिड़गिड़ाए थे, लेकिन टीना ने उनकी एक बात नहीं सुनी। आखिरकार राजेश टीना का रिश्ता 1987 में खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।